माई चैनल मेकअप लवर सेजल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ माई अनदर ह्यूज अमेजोन किचन हॉल। काफी सारे आइटम्स किचन के ही हैं, थोड़े डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं, डेकोर आइटम्स एंड थोड़े घर यूज के लिए भी होंगे। सो इट्स कम्प्लीटली अ होम के लिए हॉल है ये। तो मैंने काफी सारी चीजें मंगाए हैं एंड बहुत बड़े बड़े पार्सल्स हैं, आप देख सकते हो। मैंने साइड में सब रखे हुए हैं बिकॉज आई डोंट वॉन्ट देम टू इंटरप्ट। सो यस, ओके, सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते बिकॉज आई नो ये वीडियो लंबा होने वाला है। तो चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं विद द अनबॉक्सिंग एंड लेट्स ओपन द फर्स्ट बॉक्स। सो इट्स हियर, लेट्स ओपन इट। इट्स वेरी एक्साइटिंग बट या ये बॉक्सेस खोलने में जैसे ये क्या है, ये तो बॉक्स के अंदर बॉक्स मिल गया मुझे। ओके, सो बॉक्स के अंदर बॉक्स है एंड सो जो भी इसके डिटेल्स होंगे, प्राइसिंग एंड एवरीथिंग मैं यहाँ पर साइड में डाल दूंगी एंड आई थिंक दिस इज अ ओके। ओके, सो दिस इज अ लैम्प जो हमने साइड टेबल पर रखने के लिए ऑर्डर किया है हमारे रूम के लिए एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ये बहुत टाइम से मैं लाइक इंटरनेट पे देख रही और मुझे काफी दिनों से इसे ऑर्डर करना था। ये कौन से देश का गोला है? सो आई थिंक इसको जैसे लगेगा एंड दिस वाओ, दिस इज हाउ द लैम्प लुक्स। इसके साथ एक वायर आता है, आई थिंक इसे चार्ज करने के लिए या फिर ऑन करने के लिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट यस। सो वायर आता है, इसका स्टैंड आता है जो वुडन का है एंड ये प्लास्टिक बॉल होता है ना वैसे मटेरियल का है ये एंड या इसके नीचे एक बटन है ऑन ऑफ करने के लिए, वायर को प्लग करने के लिए एक इधर सॉकेट दिया, सॉकेट टाइप दिया हुआ है एंड नीचे से व्हाइट कलर का थिंग है। ये ऑफ व्हाइट कलर का है, ऑन करने पर ये रेड लाइट देता है विच इज नाइस, आई लाइक। ये हम अपने साइड टेबल पर रखने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा कूल लगता है ये। सो दिस इज द फर्स्ट डेकोर आइटम, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्सल विच इज हियर एंड लेट्स ओपन इट। नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर किया है इज मल्टी फंक्शन विंडो क्लीनर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। लाइक इस घर में बहुत सारे विंडोज है, ग्लासेस है, सो मेरी हेल्पर को थोड़ा और हेल्प करने के लिए मैंने ये विंडो क्लीनर ऑर्डर किया है। दिस इज हाउ इट लुक्स, पहले इसे सोप लगा के एंड देन इसे स्लाइड करने पर जैसे वाइपर होता है ना वैसे ये काम करता है, काफी अच्छा है एंड इसे यू नो ज्वाइन करना होगा। सो अभी फिलहाल के लिए तो आई एम नॉट श्योर कि कैसे सब कुछ करना है एंड साथ में इसके एक ब्रश भी मिल जाता है। सो जो विंडो का लाइनिंग होता है ना जिसपे विंडो ग्लाइड होता है, आई डोंट नो व्हाट इज दैट कॉल्ड, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, बट उसे क्लीन करने के लिए भी ये दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, वेरी सॉफ्ट फैब्रिक। इसके साथ आई थिंक 5-in-1 अटैचमेंट्स वाला मैंने ऑर्डर किया था बट कुछ ज्यादा इसमें दिख नहीं रहा है मुझे, सिर्फ चार ही चीजें हैं। मैं चेक करूंगी मैंने 3-in-1 वाला ऑर्डर किया कि 5-in-1 वाला। सो लेट्स सी कैसा है ये। द नेक्स्ट पार्सल इज हियर, लेट्स ओपन इट। ओके, सो दिस इज अ फूड स्क्रबर मैट जो आप अपने बाथरूम में इसे डाल सकते हो एंड यू कैन कीप योर फूड ऑन दिस एंड यू कैन ड्रॉप, अच्छे से आपका फूड साफ हो जाएगा एंड बहुत ही प्रिटी कलर है, लाइक टील कलर में है ये। इसके पीछे ऐसे सक्शन वाले ऐसे छोटे छोटे होल्स टाइप दिए हैं तो ये अच्छे से अपने बाथरूम में स्टिक करेगा, वी विल नॉट स्लिप एट ऑल। सो काफी अच्छा लगा था मुझे ये, सो आई थॉट चलो ले लेते हैं एंड वी जस्ट हैव टू कीप इट एंड इस पर अपने फूड को स्क्रब कर लेना है वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो मैं डेफिनेटली इसे यूज करूंगी एंड यस गाइज दिस इज हाउ इट लुक्स, सो कूल है ना। अब नेक्स्ट जो पार्सल है कब से ये कैमरा के बीच में आ रहा है, सो लेट्स ओपन इट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, आई थिंक ये मेरे किचन के लिए होगा। यहाँ पे जो किचन में कैबिनेट्स है ना उसमें वो प्लेट्स रखने के लिए जो डिवाइडर्स वगैरह होते हैं वो नहीं, ऑर्गेनाइजर टाइप नहीं बना हुआ है, सो उसके लिए मैंने ऑर्गेनाइजर भी ऑर्डर किए हैं तो वो तो मुझे याद है, तो ओपन करके देख लेते हैं। ओके, वो यही है। ओके, सो दिस इज हाउ,
सो यस गाइस, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, ये स्टैंड ऑर्गेनाइजर, प्लेट्स ऑर्गेनाइजर मैंने ऑर्डर किया है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. आई थिंक इसमें 12 कंपार्टमेंट्स है. सो आराम से 24-30 प्लेट्स आप रख सकते हो, बिकॉज एक साथ आप 3-4 भी स्टैक कर सकते हो. बट मेक श्योर कि जब भी आप ऐसे ऑर्गेनाइजर्स अपने घर में रख रहे हो तो इसे बैलेंस करना जरूरी होता है. आप एक तरफ हैवी रख दोगे फिर ऐसे तो गिरने विरने का बहुत झंझट रहता है. सो यस, दिस इज हाउ इट लुक्स. आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू ऑर्गेनाइज माई किचन. लाइक सब प्लेट्स ऐसे एक के ऊपर एक यू नो अच्छे से स्टैक. बट जब भी मुझे डिजाइन वाले प्लेट्स निकालने होते हैं तो कभी वो नीचे होते हैं तो कभी स्टील वाले ऊपर होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ही हॉचपॉच हो जाता है. सो इसके वजह से मैं ये वाला ऑर्डर की हूँ एंड आई एम लविंग इट गाइस. और बहुत ही इनएक्सपेंसिव लगा मुझे. वहां पे काफी सारे डिस्काउंट्स थे अमेज़न पर. इट इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड गाइस. लाइक आजकल इतना लोग लिखते हैं कि इतना स्पॉन्सर्ड ये वो, इसलिए बोलना पड़ता है. अदरवाइज डजेंट मैटर स्पॉन्सर्ड है या नहीं है वीडियो. जो भी है रिव्यूज जेन्युइन ही होता है, बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट्स तो हम ऑन द स्पॉट आपको दिखाकर और हम खुद देख रहे हैं तो रिव्यू तुरंत दे सकते हैं. बहुत अच्छी. द नेक्स्ट पार्सल, मैंने कुछ कुछ पार्सल्स ओपन कर लिए हैं बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू ओपन द पैकेजेस. सो ओके, सो दिस इज सोप स्टोरेज. लाइक सोप को रखने के लिए मैंने ऑर्डर किया. वाओ, दिस इज हाउ इट लुक्स. इट्स सुपर क्यूट गाइस. इसमें मैंने दो ऑर्डर किया है. एक मुझे ग्रे कलर में मिला है, वन इज दिस स्काई ब्लू लाइट ब्लू कलर. गाइज दिस इज सुपर क्यूट. इसे मैं अपने वॉश बेसिन के साइड में लगाने वाली हूँ. सो ऐसे लगा दूंगी तो ये आराम से स्टिक करे. इट्स नॉट इवन मूविंग गाइज, कैन यू सी? ओके वाओ, ये बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा. लेकिन आप आराम से इस पे अपना सोप रख सकते हो. इसके डिजाइन स्लांट है, बहुत ही सुपर डिजाइन है. प्लस इसमें काफी अच्छे अच्छे कलर. जस्ट सी ये कितना अच्छा और स्ट्रांगली ये सक्शन करके रखा हुआ है. ओके सो आई जस्ट स्लाइड इट. डन. सो क्यूट, लविंग इट. ओके, नेक्स्ट जो ऑर्डर किया है हमने इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्विमिंग कैप्स. लाइक वी हैव अ स्विमिंग पूल एरिया. सो एक दिन हमने 6 ऑर्डर किया था, बट हमारे मेंबर्स काफी बड़े हैं फैमिली में. सो वी वर अराउंड 11 पीपल. तो तुरंत हमने 6 और ऑर्डर कर दिया, बट देन वो डिलीवर नहीं हुआ. तो आई थिंक 1-2 घंटे बाद लेट आया था. सो उस दिन से ही ऐसे रखा हुआ है. सो दीज आर ऑल स्विमिंग कैप्स. बहुत ही अमेजिंग स्विमिंग कैप है गाइस, बिकॉज ये अपने ईयर्स को भी कवर करता है. आई थिंक अभी फिलहाल घर में अराउंड 18-20 स्विमिंग कैप्स है. एंड वाओ, काफी अच्छे साइज का भी है. इफ एनीवन वांट्स, मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में. आई नो ये कुछ होम से रिलेटेड नहीं है, बट इस पार्सल में लाइक था तो मैंने सोचा आप सबको दिखा देती हूँ. सो यस गाइस, बहुत ही अच्छा है. ईयर को कवर, अपनी ईयर को कवर करने के लिए ये वाला पार्ट है. सो इसलिए थोड़ा सा लंबा है एंड फ्रंट का छोटा रहता है. ऐसे यू नो उल्टा यू शेप है ये. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. सो इसमें तो 6 कैप्स है इन टोटल. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6. वी हैव 1 more, 7 टोटल कैप्स है. माई गॉड. ओके सो मैं इसे रख देती हूँ. नेक्स्ट टाइम जब भी हम स्विमिंग पूल या फिर रिजॉर्ट वगैरह जाएंगे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कैरी दिस. लेट्स ओपन द नेक्स्ट पार्सल. सो इट्स हियर. ओ वाओ, फाइनली ये मेरा आ गया है. दिस इज रोलिंग स्टोन, नेचुरल वॉल्केनिक स्टोन, मिनरल ऑयल कंट्रोल, एंटी सीबम. आपने शॉर्ट्स में, रील्स में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे दैट मेकअप करने के बाद, कुछ देर के बाद ये अपना जो टी जोन एरिया है अराउंड द चीक एरिया सब ऑयली हो जाता है, टी जोन एरिया नॉल. सो बहुत लोग ये वॉल्केनिक स्टोन यूज कर रहे हैं एंड वो ब्लॉटिंग का काम कर रहा है, ब्लोटिंग का काम कर रहा है. लाइक अच्छे से ऑयल को सक कर ले रहा है ये स्टोन. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बिकॉज आई थिंक ये 300 rupees का है, विच इज सो अफोर्डेबल. मैंने बहुत लोग को देखा वो 2000-3000 के वो वॉल्केनिक स्टोन यूज कर रहे हैं. आई वॉज लाइक लेट्स चेक ऑन ऑल्टरनेटिव थिंग्स लाइक कम प्राइस का, कि वो अच्छे से वर्क करता है कि नहीं. सो अभी तो आई एम नॉट श्योर कि आई एम स्वेटिंग या फिर आई एम हैविंग ऑयल ऑन माई फेस. तो अभी तो मैं इसे यूज नहीं करूंगी, बट डेफिनेटली मैं आगे इसे शॉर्ट्स में आप सबको इसका रिव्यू डेफिनेटली दूंगी. सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू यूज दिस वन. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसका बीच कलर का ये स्टोन है, वॉल्केनिक स्टोन है. एंड या दिस इज हाउ टाइनी इट इज. आई थॉट थोड़ा सा बड़ा होगा, बट इट्स वेरी टाइनी. आई थिंक मे बी आफ्टर दिस वीडियो, जब तक मैं ये खत्म करूँ, मेरी स्किन थोड़े से ऑयली हो जाएगी, तब मैं इसे डेफिनेटली यूज करूंगी. ओके लेट्स ओपन द नेक्स्ट पार्सल. सो इट्स हियर. ओके सो दीज आर क्लिप्स, वॉल क्लिप्स है ये. ये तो मैंने किचन के लिए ऑर्डर किया है, साथ में 3 आ जाता है एक साथ. एंड इसके पीछे स्टिक करने के लिए ये स्टिकर दिया हुआ है और ये इजिली टाइल्स पर स्टिक हो जाएगा. लाइक जब भी मैं कुकिंग करती हूँ, अगर मैं अनियंस कट करूँ तो उसके बाद मुझे हाथ धोने की आदत होती है, टमेटोज कट करूँ तो हाथ धोने की आदत होती है, तो वो टॉवल ना यहाँ वहाँ रखे होते हैं. सो एक बेस्ट होता है कि आप अपने किचन के लाइक
स्टोव के जस्ट बाजू में आप एक इसे स्टिक कर लो एंड इसमें आप टॉवल को ऐसे टक कर सकते हो, तो टॉवल ऐसे स्टे करेगा एंड देन यू कैन जस्ट पुल इट ऑफ, अपने हैंड को वाइप कर लो अगेन इसे टक कर दो। सो ये कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही अच्छा ग्रिप होगा मैं ऐसे अज्यूम कर रही हूँ। सुपर डुपर एक्साइटेड टू यूज दिस वन। सो ये आफ्टर द वीडियो मैं डेफिनेटली ये सारे अपने किचन में लगाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून गाइस, लेट्स ओपन द नेक्स्ट पार्सल। सो हियर इट इज। ओके, सो ये भी किचन के लिए ही है। शादी के टाइम पे मॉम ने मुझे दो रोटी मेकर तो नहीं है, रोटी बनाने के बाद इसमें रखने के लिए बहुत काम आते हैं। सो वो दोनों भी थोड़े थोड़े फट गए हैं, 4 महीने 5 महीने हो गए हैं, तो मैंने सोचा चलो अब मैं खुद ऑर्डर कर लेती हूँ। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। आई थिंक इसमें टोटल 6 आने वाला था बट मुझे फिलहाल 3 ही रिसीव हुआ है, मुझे कुछ याद ही नहीं। इतने सारे आइटम्स हम देखते रहते हैं, शॉप करते रहते हैं, तो इतना मुझे याद नहीं है। दिस इज हाउ इट लुक्स गाइज, बहुत ही अमेजिंग है। आप रोटी बनाकर इसमें रखो, क्या होता है कि जब हम रोटी बना लेते हैं उसे हम बॉक्स में जो आती है उसमें रख लेते हैं, तो उसके बाद वो थोड़े थोड़े पानी छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से रोटी मॉइस्ट और फिर ऐसे फटी फटी हो जाती है। तो ऐसे कुछ कॉटन जैसे कपड़े में ऐसे थोड़ा सा कुशन मटेरियल है ये, बहुत ही अमेजिंग है। इसका लिंक मैं दूंगी, आप लोग जरूर चेकआउट करना अगर आप ज्यादा किचन में वर्क करते हो, यू वॉन्ट योर चीजें टू बी ऑर्गेनाइज इन एवरीथिंग, तो आप इसे डेफिनेटली आप अगर चाहते हो आपकी चीजें जो भी आप बना रहे हो फिर अच्छा रहे। और ये बहुत अच्छा भी रहता है बिकॉज हर दिन फॉइल पेपर या फिर टिश्यू पेपर यूज करना, आई डोंट थिंक इट्स गुड फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो, सो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किए हैं। एंड काफी अच्छे अच्छे स्क्रीन ऑफ प्रिंट्स हैं तो मुझे काफी पसंद आया है। आई कैन नॉट वेट टू यूज दिस वन। सो यस, लेट्स ओपन द नेक्स्ट पार्सल एंड हियर इट इज। ये तो किचन में बहुत ज्यादा काम आता है, दीज आर क्लिप्स गाइस। अगर आप कुछ भी किचन में ओपन करते हो, जैसे राजमा का पैकेट हो गया या फिर चौली के पैकेट हो गए, छोले के पैकेट, सोयाबीन के पैकेट, ये सब मेरे घर में खुले हुए हैं इसलिए मुझे याद है। सो ये क्लिप्स बहुत ही ज्यादा यूज में आता है बिकॉज उसे हम टाई करके रख सकते हैं, हवा भी नहीं लगता है, बहुत अच्छे से फ्रेश रहता है वो सारी चीजें। सो मैं जस्ट इसे ओपन करके दिखाती हूँ। सो यस, दिस इज हाउ इट लुक्स। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इसे ओपन करके रखा है और अभी मुझे इसे टाई करना है। सो व्हाट आई डू इज आई टेक दिस क्लिप, व्हाट आई डू इज आई टेक दिस क्लिप एंड इसे बस इसमें क्लिप करूंगी। लुक एट दिस गाइस, और ये बंद हो गया है, इसमें हवा भी नहीं जाएगा और ये खराब भी नहीं होगा, और ये अगर खुला भी रहता तो ऐसे भी खराब नहीं होता ये, क्योंकि ये क्लिप्स ही है। सो ये सब लेस वगैरह या फिर खाखरा वगैरह हम ओपन करते हैं या फिर मखाना वगैरह कुछ भी खाते हैं, ओपन करके इसे टाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। सो यस, अच्छा हुआ फाइनली आज मैंने अपने सारे पैकेजेस ओपन किए और मुझे काफी अच्छे यूजफुल चीजें मुझे मिल रहे हैं। और ये सिर्फ 89 रुपीज का आपको इतने सारे क्लिप्स मिल जाते हैं। अमेजोन पे बहुत सारे महंगे चीजें भी होते हैं बट अगर आप ऑल्टरनेटिव देखो तो अमेजोन पर ही आपको अफोर्डेबल भी मिल जाता है। सो मुझे तो काफी पसंद आया, और इसमें 3 कलर्स है, पिंक, ब्लू एंड ग्रीन, जो कि लाइट है, डार्क है, ऐसा कुछ है। तो यस गाइस, बहुत ही सुपर है, सिर्फ 89 में आई थिंक अराउंड 14-15 क्लिप्स मिल जाते हैं विच इज ग्रेट। माई कैमरा बैटरी इज अबाउट टू डाई, आई थिंक आगे मैं मोबाइल से शूट करूँ, सो थोड़े से क्लिप्स यहाँ वहाँ दिखेंगे। सो लेट्स ओपन द नेक्स्ट पार्सल विच इज फ्रॉम स्कॉच ब्राइट। लाइक मैंने स्कॉच ब्राइट से कुछ ऑर्डर किया होगा, लेट्स सी गाइज, लेट्स सी, लेट्स ओपन फटाफट। ओके, सो यस माई कैमरा बैटरी डाइड, सो मैं दिखाती हूँ स्कॉच ब्राइट से ये पार्सल है, लाइक स्कॉच ब्राइट से नहीं है बट स्कॉच ब्राइट का पार्सल है जो मैंने अमेजोन से ही ऑर्डर किया है। एंड आई एम नॉट श्योर कि मैंने क्या ऑर्डर किया है, सो लेट्स ओपन इट एंड सी टुगेदर। ओके, आई कैन सी दिस रॉड एंड आई थिंक दिस इज अ वाइपर और समथिंग। ओके, सो दिस इज अ वाइपर फ्रॉम स्कॉच ब्राइट। आप लोग सोचते रहोगे कि मैं कितना ज़्यादा किचन के स्टफ्स और ये सारी चीज़ें अब ऑर्डर कर रही हूँ बिकॉज ऑफकोर्स गाइज मैं न्यू होम में आई हूँ एंड टू मेक इट क्लीन एंड टू मेंटेन, लाइक ऑफकोर्स जूने घर को भी हम मेंटेन करते थे बट वो सारी चीज़ें हम वहीं पर छोड़ के आ गए हैं। सो यहाँ पे हर चीज़ हम नया नया ले रहे हैं एंड आई थिंक ये अच्छा सा वाइपर हो बाथरूम वगैरह, हमारा बालकनी एरिया बहुत बड़ा है, डेक है पूरा, तो उसको क्लीन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। काफ़ी अच्छे लेंथ का भी है एंड आई एम श्योर माई हेल्पर इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे कितनी खुशी हो रही है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू यूज दिस। ऐसे होता है ना, कुछ न्यू मेकअप होता है तो हम एक्साइटेड होते हैं कि कब यूज़ करें, वैसे ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ऑल्सो ऑल दीज पार्सल्स बहुत एक्साइटमेंट देता है लाइफ में, तो मुझे तो बहुत पसंद आता है। सो यस, आई थिंक ये 1 फुट 1.5 फुट तक का ये वाइपर है,
काफी अच्छा आप इसे बाथरूम या फिर बैल्कनीज वगैरह क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हो। आप इसे विंडोज के लिए भी यू नो ऐसे हम जब सोप वगैरह लगा देते हैं अच्छे से क्लीन करने के बाद उसे अच्छे से वॉश करने के लिए आई थिंक ये यूज हो सकता है। लेट्स सी इफ वी कैन यूज इट और नो। सो या दिस इज हाउ इट लुक्स। ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्सल। सो वाओ इट इज़ सो प्रिटी। अंडे के शेप का ये पेन होल्डर है जो मैं अपने स्टूडियो टेबल पर रखने वाली हूँ। आई कैन कीप ब्रशेज, कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हम पेंसिल्स, आई पेंसिल्स, लिपस्टिक्स वगैरह, अगर लॉन्ग लिपस्टिक्स है, लिक्विड लिपस्टिक्स, वो सब रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लाइट पिंक कलर है ये, वेरी क्यूट। लेट मी शो यू, लुक एट दिस गाइस, सो क्यूट इट लुक्स। इसे फुल ओपन भी कर सकते हैं एंड अंडे को हम थोड़ा सा क्रैक्ड में भी ऐसे कर सकते हैं। सो इट्स अ क्रैक्ड एग। इतना बड़ा अंडा तो आई थिंक पता नहीं किसका होता है, ऑस्ट्रिच वगैरह तो इससे बहुत ज़्यादा होता है, मुर्गी का, इससे छोटा है, मुर्गे का तो होता ही नहीं है। अब इतना बड़ा अंडा मुझे नहीं पता किसका होता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा सुपर क्यूट है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइसिंग, आई थिंक 300-500 के बीच में ही होगा ये, बट आई एम वेरी श्योर दैट ये स्टूडियो टेबल पर बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगने वाला है। सो यस गाइस, दिस इज हाउ इट लुक्स, वेरी क्यूट। सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स मैं साइड में स्क्रीनशॉट पे दे दूंगी, अगर नहीं मिला तो लिंक्स तो डेफिनेटली नीचे होंगे ही, आप लोग डेफिनेटली चेकआउट करना। ऑल्सो मुझे बताओ कि आप सबको ऐसे सारे वीडियोस एक्साइटिंग लगते हैं कि नहीं, बिकॉज मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, मैं ऐसे सारे वीडियोस बहुत देखती हूँ, बिकॉज हमें फिर बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं कि हम अपने घर में छोटी छोटी चीज़ें क्या रख सकते हैं और अपने घर को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। सो यस गाइज, अब आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। ओ ये मैंने विटामिन सी सीरम अपने लिए ऑर्डर किया है, दिस इज़ फ्रॉम सेसडर्मा एज लाइक आर्यो लिपो सुमल सीरम। आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट वीडियो टू टॉक अबाउट दिस, बट येस दिस इज़ डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड टू मी, सो इसलिए मैं सब मैंने फिर से ऑर्डर कर लिया है। एंड येस गाइज, ये था आई थिंक एक लास्ट पार्सल या फिर एक और एक बड़ा सा पार्सल है वहाँ पर रखा हुआ है, सो मैं उसे ओपन कर लूँगी। ये भी ऑर्गेनाइजर ही है प्लेट्स के लिए, तो लेट्स ओपन इट। वाह, ओके सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसमें 10 कंपार्टमेंट्स हमें मिल जाते हैं एंड ये छोटे छोटे प्लेट्स को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो या फिर आप बड़ी प्लेट्स भी रख सकते हो। नीचे ऐसे ये राउंड ग्रिप मिल जाता है, आप देख सकते हो, इसके साथ हमें और 4 ग्रिप्स ऐसे मिल जाते हैं, सो अगर किसी एक का भी ख़राब हो तो यू कैन चेंज इट, सो यू कैन डेफिनेटली स्टोर दिस वन। बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, ऑल्सो इस पे हैंडल पर भी ग्रिप दिया हुआ है तो प्लेट्स स्लिप नहीं होंगे। अगर आप ग्लास के प्लेट्स, क्रॉकरी वगैरह अपना अगर आप रखते हो तो बहुत ही यूज़फुल आएगा ये। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का भी है, बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है, यू कैन सी इट्स वेरी स्टेबल। तो काफ़ी अच्छा इसका ग्रिप है, कैमरा इज़ मूविंग बट दिस इज़ नॉट मूविंग एट ऑल, तो बहुत ही अच्छा ये ऑर्गेनाइजर है। सो मैं डेफिनेटली इसे अपने कैबिनेट्स में यूज़ करने वाली हूँ। सो येस गाइज, दिस इज़ हाउ इट लुक्स, वेरी प्रिटी कलर एंड वेरी नाइस। इसे आप अपने प्लेटफॉर्म पर भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि कैबिनेट्स में ही रखना है। कितने लोग प्लेटफॉर्म पर रख के उस पर ग्लासेस, प्लेट्स वगैरह ग्लास के रखते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब जो लास्ट पार्सल है, ओ माई गॉड दैट्स सुपर ह्यूज, एंड भैया मुझे मदद करने वाले हैं उसके लिए।